सामान्य मंच और युवा साथियों, बहनों, भाइयों, अभी अगले 15 मिनट में मुझे जो काम सौंपा है वो है कि मैं आपको गांधी इतिहास नहीं है, भविष्य है, इस बात पर आपसे बात करूं। तो बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से बैठे हैं। गांधी जी को समझने के लिए बहुत कोशिश करना होगा, लेकिन मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि आपका जो नॉलेज बास्केट है, आपके जानकारी का जो बास्केट है, इफ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट नॉलेज बास्केट, आपके जानकारी में मैं भी कुछ और परोस सकूं तो उसको करने का कोशिश करूंगा। अब आप पूछेंगे तो मैं कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं आपके बीच में क्यों हूं? तो इस बात को पहले ही कहूं, आज पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता लोग आपके ओर देखते हैं, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्र के दृष्टि से तो आपसे उम्मीद है ही कि इस उम्र के लोग इस देश को बदलेंगे, लेकिन आइडियोलॉजी के दृष्टि से भी आपसे उम्मीद है कि आप गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, तो दुनिया के समस्याओं को हल करने में आपकी बड़ी भूमिका होगी। और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर इस देश में परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ मिलकर कुछ आगे की बात को सोचने के लिए मैं आया हूं। एक बात पहले ही कहूं कि भारत में यह सभ्यता रही है, नजदीक आऊं, भारत में यह परंपरा रही है कि सामाजिक काम करने वाले और सत्ता में बैठने वाले लोग मिलके, राजनीतिक काम करने वाले लोग, सामाजिक काम करने वाले लोग मिलके समाज को बदलने की कल्पना करते थे। आपको याद होगा कि विनोबा भावे जब भूदान आंदोलन चला रहे थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू भूदान आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कानून बना रहे थे। एक तरफ विनोबा भावे पदयात्रा कर रहे हैं भूमि की समस्या हल करने के लिए, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके अनुकूल कानून बना रहे थे। इसका मतलब उनको मालूम है कि सत्ता दिल्ली से चलाने से ही खाली समाज बदलने वाला नहीं है, उसके लिए नीचे उधर के काम करने वाले, धरती पर काम करने वाले लोग भी चाहिए। उसके बाद जब नागालैंड में हिंसा बढ़ी तो जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश जी से निवेदन किया, आप जाकर वहां बैठिए। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू रिक्वेस्टेड महात्मा जयप्रकाश नारायण टू गो टू नागालैंड टू ब्रिंग अबाउट पीस। तो उनको पता है कि सरकार शांति नहीं ला पा रहे हैं, शांति लाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद की जरूरत है। वैसे जब चंबल घाटी में डाकुओं की समस्या बहुत बढ़ गया तो जयप्रकाश जी और सुब्बराव जी से कहा कि आप शांति लाने में हमको मदद करिए। तो हमारा एक इतिहास रहा है, सामाजिक काम करने वाले और सत्ता में रहने वाले लोग मिलकर समाज में परिवर्तन लाने का एक इतिहास रहा है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, आज सामाजिक काम करने वाले लोग सरकार के दुश्मन हो गए, उनको लगता है कि इनसे बात ही नहीं करना है। मैंने लिखा कि मणिपुर में इतनी समस्या है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो ये जो परंपरा है मिलके काम करने का, गांव में और दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में जो रिश्ता है, उसको समाप्त होते हुए देख के हमें भी बहुत दुख हो रहा। तो इसलिए उस परंपरा को दोबारा हमें जीवित करना है,
उस दिशा में यह संवाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के और पॉलिटिकल वर्कर्स का यह संवाद बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि हम सबको एक साथ क्या ला रहे हैं, मुझे और आपको साथ ला रहे हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें समझना जरूरी है, क्योंकि आपको भी जब गांव में जाएंगे तो लोगों को समझाना है, उस दृष्टि से इसका महत्व है। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिसको आप आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन साहब ने कहा कि आने वाले पीढ़ियों को कठिनाई होगी इस बात को समझने में, विश्वास करने में कि ऐसे एक व्यक्ति, महात्मा गांधी जैसे एक व्यक्ति इस धरती पर एक समय जीवित रहा है। द जनरेशन टू कम विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव महात्मा गांधी जैसे एक व्यक्ति इस धरती पर जीवित रहा है करके। तो आइंस्टीन कर रहे हैं कि जो साइंटिफिक वर्ल्ड में सबसे नामी व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि इतना महान है महात्मा गांधी। और आगे वो इस बात को भी कहा, उनसे जब पूछा कि जब आपके आपके दीवार में साइंटिस्टों का फोटो नहीं है, महात्मा गांधी का फोटो है, तो उन्होंने कहा कि सारे साइंटिस्ट मिलके दुनिया को ध्वस्त करने का एटम बम का खोज किया। और भी कुछ किया होगा, लेकिन सारे साइंटिस्टों का दिमाग से क्या निकला है, दुनिया को ध्वस्त करने का एटम बम बनाया हम सब ने मिलके। लेकिन ये एक व्यक्ति अकेले, महात्मा गांधी अकेले दुनिया को शांति देने का रास्ता खोज लिया। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने, हम सारे साइंटिस्ट मिलकर दुनिया को ध्वस्त कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आदमी दुनिया को शांति के रास्ते पर ले चलने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए ऐसे महात्मा गांधी के रास्ते पर हम सब लोग मिलकर चल रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग हमारे सबके अंदर होना जरूरी है। तो महात्मा गांधी क्या सिर्फ भारत के लिए काम कर रहे थे? महात्मा गांधी दुनिया को रास्ता दिखा रहे थे। महात्मा गांधी के बातों को आप जानते हैं, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, महात्मा गांधी का जो टैलिस्मैन है, ताबीज है, उसको याद करना है। महात्मा गांधी का ताबीज क्या है, टैलिस्मैन क्या है, व्हाट इज हिज टैलिस्मैन? वो कह रहे हैं कि आप जब कभी दुविधा में हो, व्हेनेवर यू आर इन डाउट थिंक ऑफ द पुअरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी, आप जब दुविधा में हो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचो। कोविड के बाद आपने देखा कि लाखों लोग सड़क पर चल रहे हैं, गरीब लोग वापस गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन गांव में क्या रखा उनके लिए, उनके जल जंगल जमीन सब पहले ही हमने छीन लिया है। वापस जाने के लिए कुछ नहीं है, शहर में रहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे गरीब लोगों का दर्शन आपने की है उस समय। और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ग्रीड और नीड के बारे में, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि द प्लैनेट मदर अर्थ हैज इनाफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट इनाफ फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अभी जो विकास की प्रक्रिया है ये लालच पर आधारित है, लालच पर टिका हुआ विकास है। तो गांधी कह रहे हैं कि ये टिकाऊ नहीं है, और पूरे दुनिया में क्लाइमेट क्राइसिस को लेके चर्चा चल रही है, और वो क्लाइमेट क्राइसिस की चर्चा वास्तव में विकास का परिणाम है। इसको खत्म करना हो तो विकास के मॉडल बदलना पड़ेगा, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। वैसे ही यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन ने अभी जो SDG घोषित किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, गरीबी मिटाना है 2030 तक, और वायलेंस को खत्म करना है 2030 तक, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है 2030 तक। इफ यू वांट टू एंड पॉवर्टी
एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस इस विकास के रास्ते पर चल के नहीं होने वाला है। महात्मा गांधी के रास्ते पर चल के ही इस वर्ल्ड क्राइसिस से मुक्ति हो सकता है। इसलिए ये समझना, इस बात को समझना कि देखो महात्मा गांधी फ्यूचर का व्यक्ति है, उनके रास्ते पर चल के ही हम इस दुनिया को बचा सकते हैं, ये बुद्धिमानी होगी। एक बात ये जरूर समझिएगा कि इतने महान व्यक्ति होके फिर इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? सोशल मीडिया में, भाषणों में गांधी के विरोध में इतनी बात क्यों हो रही है? तो यह समझना है कि गांधी को खत्म करना हिंसा को बढ़ाने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसको वार इंडस्ट्री कहते हैं, युद्ध की जो इंडस्ट्री है, दुनिया के सबसे धनी जो लोग हैं उनके सामने एक ही चैलेंज है, महात्मा गांधी। वो चाहते हैं कि दुनिया के सब बच्चे, दुनिया के सब लोग युद्ध पर विश्वास करें, हिंसा पर विश्वास करें। यह बहुत जरूरी है कि हिंसा पर विश्वास पैदा करें, और महात्मा गांधी के रहते हुए वो संभव नहीं है। इसलिए हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। आप देखें कि टॉय इंडस्ट्री, खिलौने का जो धंधा है, खिलौने के धंधे में ये वॉर इंडस्ट्री वाले बहुत खर्च कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बंदूक खरीद रहे हैं दुकान में जाके, खिलौना है लेकिन बंदूक खरीद रहे हैं। होली के समय पिचकारी खरीद रहे हैं तो बंदूक के नमूना कर रहे हैं, नमूना जो है बंदूक का है, पिचकारी खरीद रहे हैं बंदूक के साइज का। सोशल मीडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें इतने भद्दी भद्दी चीजें, इतने हिंसा, इतने नफरत, और फिल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक एक हीरो दो दो बंदूक लेके इधर भी मार रहे उधर भी मार रहे। तो मैं क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, वार इंडस्ट्री जो है वो बड़े पैमाने, बड़े अमाउंट इन सारे इंडस्ट्रियों में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि लोग इस पर विश्वास करें कि अहिंसा अहिंसा कुछ काम का नहीं है, महात्मा गांधी कोई भविष्य नहीं है, जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में दम है वही सब कुछ कर सकता है, ये सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो कितने दिन से वार इंडस्ट्री महात्मा गांधी को अपने रास्ते से हटाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने सब प्रयास के बावजूद भी महात्मा गांधी को हटा नहीं पाए। इसलिए समझना है कि हिंसा से ताकत ये भी बड़ा है, अहिंसा की ताकत। और इस बात को महात्मा गांधी कह के दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। तो आप जो साथी लोग हैं, जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, आपके भाषा में, आपके व्यवहार में, आपके तौर तरीके में अहिंसा झलकनी चाहिए। जब हम इकट्ठे होते हैं, आपस में बात करते हैं तो क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बच्चों से क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य को हिंसा के रास्ते पर धकेलने के बदले अहिंसा के रास्ते पर आप भेज सकें। तो मैं जब अपना काम शुरू किया तो चंबल घाटी से शुरू किया। अब आप देखो 500 से ज्यादा डाकू महात्मा गांधी के तस्वीर के सामने बंदूक डाल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जीवित महात्मा गांधी में तो ताकत था ही, वो अंग्रेजों को भगा सकते थे, लेकिन सिर्फ गांधी जी के फोटो में इतनी ताकत कि 500 से भी ज्यादा डाकू महात्मा गांधी के सामने अपने बंदूक को डाल रहे हैं। तो मैंने समझा कि अहिंसा में बहुत ताकत है, वैसे ही मेरे मन कहने लगा अहिंसा में बहुत ताकत है। तो इसलिए फिर मैं आदिवासियों के बीच में अहिंसा के शास्त्र को लेके काम शुरू किया। अहिंसा से आदिवासियों को संगठित करना, बड़े बड़े मार्च आयोजित करना, कभी 25,000, कभी 50,000, कभी 1,00,000 लोगों को लेके मार्च आयोजित करने का काम किया आदिवासियों के साथ मिलके अहिंसा के रास्ते पर। तब मैंने समझा कि आदिवासियों के मन में गांधी को लेके कितना प्यार है। इस बात को आप में से कितने लोग समझ रहे हैं मुझे पता नहीं, और मैं चाहता हूं कि इस बात को ठीक से समझ लें आप। आदिवासियों के मन में, गरीबों के मन में अभी भी
गांधी को लेके बहुत प्यार है। झारखंड के आदिवासी मेरे से कहते हैं, अरे महात्मा गांधी तो हमारे आदमी है। क्यों? वो तो हमारे जैसा कपड़ा पहनता है, हमारे जैसे झोपड़ी में रहता है। तो ये आदिवासी लोग रात रात भर महात्मा गांधी के गाना गा के नाचते हैं। ये छत्तीसगढ़ में भी आपको दिखाई पड़ेगा, झारखंड में दिखाई पड़ेगा, ओडिशा में दिखाई पड़ेगा, वहां सब जगह से आप लोग आए हैं, आपको पता है। इसलिए महात्मा गांधी के ताकत को गरीब लोग पहचान रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन क्या है, इस ताकत को पहचान के अगर हम सब लोग गरीबों के साथ जुड़ जाएं और समाज में जो इनडायरेक्ट हिंसा है, अप्रत्यक्ष हिंसा है, अन्याय है, शोषण है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर अगर इन अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के रास्ते से हम दुनिया को मुक्त कर सकें तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। मैंने एक बात को समझा है, काम करते करते बहुत दिन में मैंने इस बात को समझा है कि अहिंसा के ताकत को प्रयोग करने से आपको मालूम होगा कि इस देश के, इस दुनिया के सारे वर्तमान समस्याओं को हम चैलेंज कर सकते हैं अहिंसा के माध्यम से। मैंने जो तीन ताकत को इकट्ठा करके देखा अपने काम में, उसको मैं कहता हूं कि पावर ऑफ द पुअर, गरीबों की ताकत, पावर ऑफ द यूथ, नौजवानों की ताकत, और पावर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की ताकत। अभी तक मेरे प्रयोग में मैंने इस बात को समझा है कि जहां जहां ये प्रयोग हुआ है, गरीबों की ताकत, युवाओं की ताकत, अहिंसा की ताकत, जो भी लेबोरेटरी में इसको मिला के समाज को बदलने की कोशिश हुई है, वहां सब जगह सफलता हुई है। गांधी की सफलता हुई है, विनोबा की सफलता हुई है, जयप्रकाश की सफलता हुई है, हम लोगों को भी सफलता हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब वापस जाएंगे, इस देश में तो परिवर्तन लाना ही लाना है, और परिवर्तन सिर्फ दिल्ली में नहीं लाना है, दिल्ली में तो परिवर्तन लाना ही लाना है, लेकिन नीचे भी परिवर्तन लाना है। सिर्फ ऊपर के परिवर्तन से गरीबों की समस्या हल नहीं होती है, आदिवासियों की, दलितों की, मजदूरों की समस्या सिर्फ ऊपर के परिवर्तन से नहीं होने वाला है, उसके लिए नीचे भी परिवर्तन चाहिए, ताकि हम ऊपर के परिवर्तन और नीचे के परिवर्तन दोनों को लाने वाले लोग बने, वो है चैलेंज। इसलिए सिर्फ ये जो भ्रामक दुनिया है, मुझे भी सत्ता चाहिए, मुझे भी ये बनना है, मुझे भी वो बनना है, सिर्फ उतने तक मत रहिएगा। मुझे परिवर्तन का वाहक बनना है, मैं MLA बनूं, MP बनूं, न बनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस दौड़ में नहीं हूं। मेरा दौड़ है कि मुझे इस देश को बदलना। तो देश को बदलने के लिए गांव गांव में उतर के काम करना, लोगों के दिल तक पहुंचना, और एक व्यापक परिवर्तन के लिए लोगों को संगठित करना, जैसे गांधी जी आजादी के आंदोलन के लिए किया। आज हमारी जिम्मेवारी है कि सत्ता से दूर रह के भी इस देश के परिवर्तन के लिए काम करें। और आखिरी बात मैं वही करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने ये करके दिखाया, सत्ता नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तब भी दुनिया में फेमस हो सकते हैं। सी, सत्ता और पैसा क्यों चाहिए? ताकि हमको रिकॉग्निशन मिले, हमको लोग पहचाने, हमको लोग सम्मान करें, इसलिए सत्ता चाहिए, इसलिए पैसा चाहिए। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी सभी हमको क्या सिखा रहे हैं? त्याग से भी आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, त्याग से भी आप महान बन सकता है। यह सादा ज्यादा सरल रास्ता है। अगर त्याग से सम्मान प्राप्त कर सकता है, त्याग से महान बन सकता है, तो इसमें, इस चक्कर में क्यों रहना है, पैसा इकट्ठा करने का और पद प्राप्त करने का? नहीं। तो इसलिए महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाने के साथ साथ हमको अपने संतुष्टि का रास्ता भी बताया है कि सत्ता से दूर रह के, पैसे से दूर रह के भी आप दुनिया में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, नाम प्राप्त कर सकते हैं।
तो उस दिशा में हम चले। हमारे देश में अमेरिका का एक अम्बेसडर था, उसका नाम है चेस्टर बाउल्स। तो चेस्टर बाउल्स अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं सेवाग्राम कुटिया के सामने खड़ा होकर एक बात समझ रहा था। मैं सेवाग्राम के वो छोटी झोपड़ी के सामने खड़े होकर एक बात को समझ रहा था। वो क्या बात है कि अमेरिका में जब आदमी झोपड़ी में व्हाइट हाउस पहुंचते तो उनका नाम हो जाता है। झोपड़ी से व्हाइट हाउस पहुंच गया तो उनको लोग पूछने लगता है, उनको बहुत ख्याति हो जाता है। लेकिन भारत में जब महल छोड़ के झोपड़ी में आ जाता है तो उसको बड़ा नाम हो जाता है। इस बात को चेस्टर बाउल्स लिख रहे हैं कि भारत बहुत अजीब गरीब देश है। यहाँ भगवान बुद्ध महल छोड़ के जा रहे हैं, महावीर स्वामी जा रहे हैं, महात्मा गांधी जा रहे हैं, और संपन्नता को छोड़ के जब सादगी की ओर जाते हैं तो उसका पूजा होती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर इस देश को बदलना है, इस देश के ताना बाना बदलना है, ऊपर भी बदलना है, नीचे भी बदलना है, और सादगी और त्याग को अपने हाथ में लेके उस रास्ते पर चलकर उसको बदलना है। अगर ये सब करेंगे हम, महात्मा गांधी के ताबिश को याद रखेंगे, महात्मा गांधी के ग्रीड और नीड को याद रखेंगे, और महात्मा गांधी के त्याग की कहानी याद रखेंगे, तो हम जब 100 वर्ष मनाएंगे, भारत के 100 वर्ष मनाएंगे, तो तब तक हम गर्व से कह सकेंगे इस देश में ऊपर भी परिवर्तन करने में हम सफल हुए, आपके उम्र वाले, और नीचे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में, गरीबी और विषमताओं को खत्म करने में हम सफल हुए। ऐसे सफलता की कहानी कहने वाले की युवा पीढ़ी आपको बनना है। खाली पॉलिटिक्स करना है, फोटो खींचना है, सेल्फी लेना है, इस चक्कर में रहने वाले एक युवा पीढ़ी के बदले समग्र क्रांति के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक समग्र क्रांति के लिए तैयार होने वाले एक समाज बने आज के यूथ कांग्रेस। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, और उस काम के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ें। उसमें सारे सामाजिक कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के सारे युवा मिलकर अगर लड़ेंगे तो हम महात्मा गांधी के सपनों के अनुकूल एक भारत को बना सकेंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। इतने देर तक मुझे सुना, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।